नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कल लेंगे शपथ। प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में हुई गौरी गौरा की पूजा। दुर्ग और कोरबा जिले की पुलिस ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाई दीपावली। और सौर सुजला योजना से बदल रही किसानों की तकदीर, बिजली की समस्या से मिला छुटकारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागुन चौहान से मिलकर बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब कल शाम नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले आज पटना में हुई एनडीए की घटक दल की संयुक्त बैठक में श्री नीतीश कुमार को विधायकों ने अपना नेता चुना। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित थे। साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया है। आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने समाज के वंचित और पीड़ित तबके की भलाई के लिए काम किया। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान तथा सामाजिक सद्भाव के लिए उनके प्रयास लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बिरसा मुंडा जननायक थे। उन्होंने आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए जीवन भर काम किया। श्री बघेल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय को जल, जंगल और जमीन के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। उनके क्रांतिकारी विचार और देश प्रेम की भावना आज भी लोगों को प्रेरित करती है। प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने के रायपुर स्थित निवास पर भी गोवर्धन पूजा धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गौरा गौरी और गोवर्धन की पूजा की, साथ ही गौ माता को खिचड़ी खिलाकर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। इस मौके पर राउत नाचा और सुआ नर्तक दल ने आकर्षक धुनों के साथ परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पारंपरिक वेशभूषा में नर्तक दलों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग जिले के जंजगिरी और कुम्हारी पहुंचकर सांटा लेने की परंपरा का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परंपरा सबकी खुशहाली के लिए मनाई जाती है। श्री बघेल ने इस अवसर पर कुम्हारी में गौरी गौरा की पूजा अर्चना भी की। हर्षोल्लास के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है और आज गोवर्धन पूजा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा का भी परंपरा हमारे यहाँ है। आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है मैदानी हिस्से में, तो इसके लिए मैं आप सबको, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के और गोवर्धन पूजा की, गौरा गौरी पूजा की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वहीं राजनांदगांव जिले में भी गौरी गौरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
इस मौके पर गौरी गौरा की विधि विधान से पूजा कर शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ निकली ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली। आपको बता दें कि इस पर्व में गौरी गौरा की मूर्ति बनाकर मध्य रात्रि में इनकी बारात निकाली जाती है और सुबह शोभा यात्रा के साथ विसर्जन किया जाता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में कई जिलों के पुलिस ने इस बार अपनी दीपावली वृद्धजनों के साथ मनाई है। दुर्ग जिले में भी पुलिस ने समर्पण अभियान के तहत दीपावली त्योहार के अवसर पर वृद्धाश्रम जाकर वृद्धजनों का हालचाल जाना और उनके साथ दीपावली मनाई। इस मौके पर पुलिस ने वृद्धजनों को उपहार और मिठाई भी भेंट स्वरूप दी। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस वृद्धाश्रम में जाकर वरिष्ठ नागरिकों के वहां रहने का कारण पता लगाकर उनकी घर वापसी का प्रयास कर रही है। इससे बहुत चीजें एक खुशी है जो कि किसी को देना बहुत आसान नहीं होता है। कोशिश ये रहती है कि इसमें हम मिलके एक खुशी को बांटें, क्योंकि त्यौहार वैसे भी कहा जाता है कि खुशियों का होता है, उसी एक माहौल में आज हम साथ में मिलके बना रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि उनके बच्चे आज उनके साथ खड़े होकर आज दिवाली मना रहे हैं। इधर कोरबा जिले की पुलिस ने भी बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाई। कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दीपावली खुशियां बांटने का त्यौहार है, इसीलिए पुलिस परिवार दीपावली पर्व पर वृद्धाश्रम पहुंचा है। ये दिवाली जो हर साल में एक बार आता है, ये पर्व हमारा, ये इंडिया का सबसे बड़ा पर्व है। ये एक खुशी का मौका है और एक तरह से देखा जाए तो खुशियाँ बांटने का मौका है। हमारे कुछ सेक्शन सोसाइटी के ऐसे रहते हैं जिनके जो थोड़ा सा डाउन ट्रॉडन है, जिनके पास अपना खुद का कोई सहारा नहीं है या कुछ मुसीबतों में है। हम चाहते हैं कि दिवाली के दिन कुछ खुशियाँ हम उनके साथ बांटें और इसके लिए हम फैमिली के साथ में, अपने पुलिस परिवार के साथ में भी यहाँ आए हैं, ताकि थोड़ी सी भी खुशी अगर हम इनको दे सकें तो हमारे लिए दिवाली सफल होगी। इसके लिए हम लोग वृद्धाश्रम और एक कुष्ठाश्रम, दो जगह पर हम लोग गए थे, जहाँ पे हम बच्चों को और जो बड़े बूढ़े हैं उनको स्वीट्स देकर उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी और विश किया कि उनकी दिवाली भी अच्छी माने। गौरतलब है कि समर्पण अभियान के तहत प्रदेश की पुलिस समाज की मुख्य धारा से अलग रह रहे लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाने के लिए उनके बीच पहुंच रही है। इस बीच बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज दंतेवाड़ा जिले पहुंचकर माओवादी हमलों में शहीद हुए जवानों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, वहीं बच्चों को मिठाई और उपहार बांटे गए। आईजी ने इस मौके पर दंतेश्वरी महिला फाइटर्स की सराहना की, साथ ही सभी DRG के जवानों और महिला कमांडो का हौसला भी बढ़ाया। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.09% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 82 लाख कोरोना संक्रमित मरीज
इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। देश में फिलहाल करीब 5 लाख कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने, संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है। देश में इस समय कोरोना संक्रमण से हो रही मृत्यु दर केवल 1.47% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। इधर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 716 नए मामले सामने आए। वहीं कल करीब 900 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 19,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच कल प्रदेश में 17 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। सौर सुजला योजना प्रदेश के किसानों की आर्थिक उन्नति में सहायक बन रही है और इसके कृषि कार्यों में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना से जहां किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा मिला है, तो वहीं पानी के अभाव में किसानों को अब फसलों के सूखने का खतरा भी नहीं रहा। दुर्ग जिले के किसान भी इस योजना का लाभ लेकर भरपूर फसल ले रहे हैं। जिले के पाहंदा गांव के किसान सौर सुजला योजना को अपने लिए वरदान मानते हैं। करीब 4 एकड़ खेत में फसल लेने वाले गांव के किसान दुष्यंत और मनोहर ने भी अपने खेत में सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप लगवाए हैं, जिसके बाद से वे अपने खेतों में अच्छी फसल ले रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस योजना ने उनकी बारिश की चिंताओं को दूर कर दिया है। और इसके लगने से फसल आप देख रहे हैं सर, लहलाते फसल मिल रहा है और इसे लगाने से बिजली की कोई समस्या नहीं है सर, है ना, प्रदूषण से बच गए हैं। और ये केंद्र गवर्नमेंट का योजना है, 2,65,000 की जो सोलर पंप की है वो मात्र 19,500 में रुपये में हमको लगा के दिए है सर। पहले क्या है, धान उतना ज़्यादा नहीं हो पाती थी कि पानी के कंट्रोल ही हो जाती है कि नहर आ पाती बहुत इतनी नहर बहुत कम पानी है तो क्या है दिक्कत हो जाती है। वो लाइन वाइन के भी सुविधा नहीं है तो हम सोचे कि किसी केंद्र के माध्यम से आपके माध्यम से पता चली थी कि सौर ऊर्जा लगाया जाए। अभी साथ कि धान की अच्छा हुआ था, अभी पानी के पानी मिल गया तो सौर ऊर्जा के जो पंप लगाना उससे। और इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के दुर्ग प्रभारी टी के ध्रुव ने बताया कि दुर्ग जिले में अब तक 656 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं और अब खेतों के अलावा गौठानों में भी सौर पंप लगाए जा रहे हैं। किसान बोरवेल कर चुके हैं और जहां पे विद्युत की भारी समस्या है, जहां पे बिजली पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे स्थलों को सोलर पंप सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत कर सोलर पंप की स्थापना करते हैं और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए शासन द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 95% तक अनुदान हितग्राहियों को दिया जा रहा है। किसानों से लगभग 5-7% जो अनुदान है वो कृषकों से हितग्राही अंशराशि के रूप में लिया जा रहा है। अब तक दुर्ग जिले में 656 विगत वर्षों में सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है और वित्तीय वर्ष 19-20 जो भी वर्तमान में संचालित हो रहे हैं उनके भी पंप लग रहे हैं। उनमें 315 पंप इस साल किसानों के यहाँ मतलब लगाए जा रहे हैं और जिसमें से 105 पंप गोठान में स्थापित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सौर सुजला योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान भी मिलता है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कल लेंगे शपथ। प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री निवास में हुई गौरी गौरा की पूजा। दुर्ग और कोरबा जिले की पुलिस ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाई दीपावली।
और सौर सुजला योजना से बदल रही किसानों की तकदीर, बिजली की समस्या से मिला छुटकारा। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।